أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, उसके हमने क्वेश्चन किए और उसको कंप्लीट किया। आज हम इसकी रिव्यू की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज की जो बात है वो आप उनको करने की कोशिश करें, और अगर ना हो तो फिर हम क्लास में जो है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी रिव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आपके पास बुक ओपन है अपने पास बेटा, बुक भी रखा करें, कैलकुलेटर भी रखा करें जब आप लेक्चर को देखते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको ये वैल्यू दी गई है लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे हम क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। तो हम पहले इस लॉग को, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ पे नंबर होता है ना वो एक्चुअल में बेस होती है, और उसकी पावर क्या बनेगी जो इक्वल के बाद नंबर है, यानी 3 की पावर x इज 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 3 की पावर 5 का क्या मतलब है, 3 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आएगा 243। तो x को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख लिया और 243 243 को हमने राइट साइड पे लिख लिया, ठीक है जी। अब बेटा हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है लॉग 256 और बेस 4 इज इक्वल टू x। तो बेटा सबसे पहले हम इस लॉगरिथमिक जो फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी लॉग वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, लोग के साथ ये जो नंबर होता है ना इसे बेस कहते हैं, और बेस की पावर होती है, यानी इस बेस की पावर क्या है जो इक्वल के बाद है, यानी x, यानी 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। तो ये जो एक बात आपने याद रख लेनी है, ये जो 256 है ये 4 की पावर 4 है, यानी आप 4 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो 256 आंसर में आता है। तो मैंने 256 को बेटा लिख लिया 4 इज़ टू पावर 4। देखिए इधर है 4 की पावर x, इधर है 4 की पावर 4, इधर बेस 4 है, इधर भी बेस 4 है। तो देखिए बेसिस जो है वो बराबर हो रही हैं, पहले भी मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर बेसिस इक्वल हो जाएं तो ऊपर जो पावर है, इस बेस की पावर x है, इस बेस की पावर 4 है, तो फिर वो भी बेटा जो है वो बराबर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है लॉग 5 और बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। तो सबसे पहले इस लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, यानी लॉग को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से। तो ये क्वेश्चन हम बार बार हम कर रहे हैं, हमको इन चीज़ों का जो है अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इनकी पहचान हो जानी चाहिए। ये चीज़ बेस होती है, और इसकी पावर क्या होगी जो इक्वल के बाद नंबर है, ठीक है जी। तो यानी हमारे पास आ गया 625 इसकी पावर x ओवर 4 इज इक्वल टू 5, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर लिया। अगर आप 625 को डिवाइड करें, जैसे मैंने साइड पे किया हुआ है, तो 5 जो है वो 4 टाइम्स आता है, यानी 5 की पावर 4 फिर उसकी पावर x ओवर 4 इज इक्वल टू 5। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 5 की पावर x, और दूसरी तरफ है 5 की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं है ना बेटा, उसकी 1 होती है, ये बात आप याद रख लें। अब देखें फिर क्या है, इधर बेस क्या है 5 है, इधर बेस क्या है 5 है, बेसिस बराबर हो गई हैं, तो बेटा अब क्या होगा, इनकी जो पावर्स हैं वो भी बराबर होंगी। इधर पावर x है, दूसरा पावर 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब बेटा मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका लॉग x बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। तो ये जो 64 है बेटा ये बेस है, और ये उसकी पावर है, ठीक है, यानी 64 की पावर -2/3 इज इक्वल टू x, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो 64 है ना ये 4 की पावर 3 है, ये जो 64 है ना बेटा ये 2 की पावर 6 भी है, 4 की पावर 3 भी है, 8 का स्क्वायर भी है, लेकिन इन सब में जो सबसे कारामद जो हमारे लिए साबित होगी वो वैल्यू 4 की पावर 3 है। ऐसा क्यों हुआ, ताकि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप पे हम इसको देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 2 या 4 की पावर 3 और इसकी होल की पावर 2 माइनस 2 ओवर 3, 3 3 कैंसिल, यहाँ बच गया 4 की पावर माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, 4 की पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेटा हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये 1 ओवर 4 स्क्वायर हो गया। अब 4 स्क्वायर क्या होता है, 16। तो यानी हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 1 ओवर 16 है, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और नीचे इसका फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 2.4543। तो अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। x के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है, log। आपको इस log को यहाँ से ख़त्म करना है। तो पहले भी हम कर चुके हैं कि log का जो reciprocal है, जो log को ख़त्म कर देगा वो एंटी लॉग होता है बेटा। तो इसमें हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने एंटी लॉग लॉग एक्स और एंटी लॉग और आगे जो वैल्यू है वो लिख ली। इसमें एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, और ये बाकी जो है हमारे पास में इंटीसा है। तो आपने बेटा क्या करना है, एंटी लॉग में जाना है 4 5 की लाइन में, आपने 4 में और 3 में आगे डिफरेंस में चेक करना है, उनको जमा करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2846। अब टेबल अपने पास रखिए, बुक खोल के अपने पास रखिए, एंटी लॉग के टेबल में जाएं और वहाँ से ये वैल्यूज़ निकालिए। अब रही बात रेफरेंस पॉइंट की, तो वो हमें करेक्टरिस्टिक जो है वो बताएगा। करेक्टरिस्टिक इसमें 2 है, तो हमने राइट साइड की तरफ जाना है बेटा और 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 2484.6, ठीक है जी। अब हम इसका पहले ये थोड़ा सा क्वेश्चंस का अगर जो हम थोड़ा चेंज कर लिए हैं, पहले मैंने क्वेश्चन 4 कर दिया, फिर 3 वाला कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है log x इज इक्वल टू -1.6238। तो बेटा फिर से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ क्या चीज़ जुड़ी है, log। तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने इधर भी लॉग के साथ एंटी लॉग ले लिया और इधर जो हमारे पास वैल्यू थी उसके साथ भी हमने एंटी लॉग ले लिया, ठीक है। तो ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट से पहले जो भी नंबर है ये हमारा करेक्टरिस्टिक है और बाकी में इंटीसा है। तो बेटा आपने एंटी क्लॉकवाइज टेबल में जाना है, 0.62 की वैल्यू में जाएं और 3 में और 8 में चेक कीजिए, दोनों को जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 4206। अब रेफरेंस पॉइंट की बात, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हमारे पास पॉइंट से पीछे कोई सिफर नहीं होना चाहिए, यानी डायरेक्ट नंबर होना चाहिए, यानी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एक स्टेप आगे की लेफ्ट साइड की तरफ चले गए, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वहाँ पे लिखा है log x इज इक्वल टू 0.0044। तो बेटा फिर से वही बात, x की वैल्यू फाइंड करनी है और log साथ जुड़ा है। इस log को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ एंटी log लेना है, मैंने लिख दिया टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। तो log के साथ भी एंटी log लिख दिया, ठीक है जी, और दूसरी जो वैल्यू हमें गिवन है उसके साथ भी मैंने एंटी log लिख दिया। तो लॉग और एंटी लॉग जो है वो कैंसिल हो गए, इधर पॉइंट से पहले 0 है तो हमारा करेक्टरिस्टिक भी 0 और बाकी जो है वैल्यू में इंटीसा है। तो बेटा आपने 0.00 वाली लाइन में 4 में और फिर 4 में चेक करना है, उनको आपने ऐड कर देना है, आपके पास आ जाएगा 1010, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट की बात, अगर हमारा करेक्टरिस्टिक 0 है तो हमने राइट साइड की तरफ जाने और एक स्टेप यानी एक वैल्यू छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1.010, ठीक है जी। इसका बेटा एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो आप खुद ही हल कीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, log 2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है, log 3 की वैल्यू दी गई है, log 5 की वैल्यू दी गई है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा वो बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप उसे खुद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो तरीका सारा यही होगा, अब हमें वैल्यू दी गई है log 16/15।
ठीक है। तो लॉ की प्रॉपर्टी है कि उसके आगे अगर नंबर डिवीजन में है तो लॉग उन दोनों को माइनस कर देगा, यानी लॉग 16 माइनस लॉग 15। अब हमने लिख लिया ये जो 16 है ना बेटा, ये मैंने साइड पे डिवाइड किया है। जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 जो है वो 4 टाइम्स आएगा। मैंने लिख लिया लॉग 2 की पावर 4, ये लाइन वैसी लगी है। 16 को मैंने लिख लिया लॉग 2 की पावर 4 माइनस लॉग 15 को मैंने लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 5। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है और उसके पीछे लॉग है तो पावर जो है लॉग से पीछे चली जाएगी। तो हमारे पास आ गया 4 लॉग 2 माइनस, अब देखें लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको बेटा क्या करेगा, लॉग उनको प्लस कर देगा, ठीक है। लेकिन लॉग से पीछे माइनस है तो बेटा हमने क्या करना है, हमने उनको प्लस करके जब लिखना है 3 और 5 को तो हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो जब बेटा हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये जो माइनस है ये दोनों को नेगेटिव कर देगी, 3 को भी और लॉग 5 को भी, ठीक है। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, पहले आपने 4 लिखा, फिर लॉग 2 की वैल्यू क्या है ऊपर आप देख सकते हैं 0.3010, फिर माइनस, फिर लॉग 3 की वैल्यू 0.4771, फिर माइनस, फिर 0.6990। अब क्या होगा, 4 को आप पहले अंदर मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 1.2040, ठीक है। उसके बाद पीछे दोनों वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ जैसा ऊपर है वैसे लिख दिया। अब कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, आपने क्या करना है इनको जस्ट ऐसे ही लिख के जैसे लिखी हैं वैल्यूज़ कैलकुलेटर से इनको माइनस कर देना है, तो बेटा आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वहाँ पे लिखा है लॉग 0.048। तो आपको पता है बेटा कि जब भी पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसके आगे जितने भी उसके पीछे जितने भी डिजिट आपको नज़र आते हैं उतने 1 के साथ ज़ीरो लगाते हैं हम, यानी 1000 उसकी डिवीजन में चला गया। अब अपने लॉग की क्या प्रॉपर्टी पड़ी है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनके पीछे लॉग है तो लॉग बेटा दोनों को माइनस कर देगा, ठीक है। अब देखिए 48 है, ये देखिए मैंने 48 को डिवाइड किया है 2, 2, 2, 2 और 3, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स आया, मैंने लिख लिया 2 की पावर 4, फिर 3 है मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 3। अब 1000 को भी मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, पहले 2 जो है वो 3 टाइम्स आया, फिर 5 जो है वो 3 टाइम्स आया, यानी 2 की पावर 3 भी और 5 की पावर 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बेटा लॉग की हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग के अगर दो नंबर उसके आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उन दोनों को ऐड कर देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे, और दोनों के साथ लॉग आ जाएगा, फिर क्या है माइनस, ठीक है। अब ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग इनको भी प्लस करेगा, लेकिन बेटा आप इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि पीछे उसके माइनस है, बाद में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। और प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी कि किसी नंबर के पीछे लॉग के साथ नंबर के ऊपर कोई पावर है वो लॉग से पीछे आ जाएगी, 4 लॉग 2 फिर लॉग 3, इसकी पावर जो है वो भी लॉग से पीछे आ गई, देखिए 3 लॉग 2 इसकी पावर भी बेटा लॉग के पीछे आ गई, माइनस 3 लॉग 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले 4 लिखिए, ठीक, फिर लॉग 2 की वैल्यू, फिर प्लस, फिर लॉग 3 की वैल्यू, फिर माइनस 3 और लॉग 2 की वैल्यू, फिर माइनस 3 और लॉग 5 की वैल्यू, ठीक है जी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर ये वैल्यू वैसी रहेगी, इधर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। जब बेटा कैलकुलेटर से इन सब वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, जैसे वो लिखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 1.3189। अगर आपके पास माइनस में आंसर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, माइनस से पीछे क्या लिखा हुआ है 1, आप माइनस 2 और प्लस 2 का इसमें खुद से एडिशन कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस 2 में से आपने ये वैल्यू माइनस कर देनी, आपके पास ये आंसर आ गया। माइनस 2 को ये माइनस हम इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और जब इनको मिला के लिखेंगे पहले करेक्टरिस्टिक लिखेंगे माइनस 2 और फिर पॉइंट, फिर 6811, ठीक है जी। इसकी घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम इस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आप बुक पे चेक कीजिए। इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे से क्वेश्चन हैं,
वो आप उन्हें खुद हल करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान है। 3.4 के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके तीन पार्ट्स हैं। इसके जो पहले दो पार्ट हैं वो बहुत ही सादा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप उन्हें खुद हल करने की कोशिश करें। हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो आपको नज़र आ रही है वैल्यू 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2, फिर डिवीज़न में 15.37 का स्क्वायर रूट। तो बेटा हमने 3.4 जिन बच्चों ने देखे हैं लेक्चर्स उन्हें पता है, जिन बच्चों ने नहीं देखे वो मेरी उनसे गुजारिश है कि पहले उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें, ठीक है। यूनिक रिलेटेड है, सारा वही क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, आप इस वैल्यू को एक्स के इक्वल लिखेंगे, लेट लिख के एक्स के इक्वल ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। आपने इधर भी लॉग लिख लिया और इधर भी, और पूरी वैल्यू आपने लॉग के साथ लिख ली। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग उनको प्लस करेगा। देखिए लॉग 8.97 की पावर 3, फिर प्लस लॉग 3.95 की पावर 2, और जो डिवीजन में है लॉग ने उसे माइनस कर दिया। आप क्लियरली देख सकते हैं। हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा कि किसी नंबर के ऊपर पावर है तो वो लॉग से पीछे आ जाएगी, ये भी लॉग से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी पावर जो है लॉग से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं 3 लॉग 8.97, फिर प्लस 2 लॉग 3.95, माइनस 1 ओवर 2 लॉग 15.37। तो अब बेटा आपने इनके जो है वो लॉग फाइंड करने हैं। इसमें पॉइंट से पहले जस्ट वन डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। मेंटिसा के लिए आपने बेटा क्या करना है, आपने 89 की लाइन में और 7 में बस चेक कर लेना है, आपके पास वहाँ पे लिखा होगा 9528, ठीक है जी। अब प्लस 2 लॉग, अब इसमें पॉइंट से पहले फिर एक डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो गया। जब आप बेटा इसका आपने लॉग के टेबल में जाना है, ठीक है, 39 की लाइन में जाएं और 5 में बेटा चेक करें, 39 की लाइन और 5 में चेक करें, आपके लिखा नज़र आएगा 5966, वो अपने पॉइंट के पीछे लिख देनी है, फिर माइनस 1 ओवर 2। इसमें पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स है तो करेक्टरिस्टिक जो है 1 होगा, यानी एक कम होता है। अगर पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं तो करेक्टरिस्टिक इसका 2 होगा, पॉइंट से पहले 4 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक 3 होगा। इस तरह से इसका जब आप मेंटिसा फाइंड करेंगे तो आपने 15 की लाइन 3 में और 7 में चेक करना है, उनको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 1867, ठीक है जी। अब बेटा इस वैल्यू को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया, और ये जो वैल्यू है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इस वैल्यू को बेटा आपने 2 पे डिवाइड करना है, ये 2 उसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो बेटा अपने कैलकुलेटर पर एज इट इज़ ही लिख देनी है वैल्यूज़, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 3.656। अब हमें एक्स की वैल्यू रिक्वायर है इस लॉग को ख़त्म करने के लिए, हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग एक्स के साथ भी एंटी लॉग लिख लिया और हमने 3.656 के साथ भी एंटी लॉग लिख लिया। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो भी होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, और फिर 0.656 मेंटिसा है। आपने बेटा क्या करना है, 0.65 की लाइन में जाना है और 6 में आपने चेक करना है, ठीक है। आपके पास वहाँ पे लिखा होगा 4529। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। आपने राइट साइड की तरफ 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, यानी 1234 पॉइंट लगा दिया। तो बेटा जिसके पॉइंट ही लास्ट पे चला गया वो पॉइंट भी हम नहीं लिखते, फिर इसका आंसर 4529 जो है इसका आंसर है। आपने बेटा इस लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना है, आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 4 पे होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।